जल के बिना जीवन अधूरा है, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। और सुपर सिक्सर में बात होगी बूंद बूंद के लिए तरसते लोगों की। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जल संकट लगातार गहराता जा रहा है, नदी नाले जलाशय सूख गए हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतर रहे हैं, मीलों दूर से पीने के लिए पानी लाने को मजबूर है। देखें ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल गया होगा। 70 फीट गहरा कुआं और भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप में प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश किसी की भी जान ले सकती है। ये तस्वीरें न तो सोमालिया की है, न ही अंगोला या फिर किसी दूसरे अफ्रीकी देश की है, बल्कि पानी की तलाश में कुएं के बाहर लगी भीड़ की यह तस्वीरें हिंदुस्तान की है। देश के सबसे धनी राज्य, जहां से सबसे ज्यादा राजस्व आता है, उस महाराष्ट्र के नासिक की है यह तस्वीरें। नासिक के कोशिमपाड़ा गांव में यह एकमात्र कुआं है जो लोगों का प्यास बुझाता है, लेकिन अब यह कुआं भी सूख गया है, पानी पाताल में जा चुका है। देखिए कैसे यह महिला रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर पानी के लिए कुएं में उतर रही है। कुएं में पानी न के बराबर है, इतना कम पानी है कि बाल्टी में भी नहीं आ पा रहा है। जिसके कारण एक महिला अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरी है ताकि बाल्टी में पानी भर सके और लोगों की प्यास बुझ सके। हर रोज ये महिलाएं आती हैं और ऐसे ही कुएं में उतरकर पानी भरती हैं, और पानी भी ऐसा जिसे शहर के लोग पीना तो दूर, उससे अपने कपड़े भी न धोएं। भीषण गर्मी के कारण महाराष्ट्र के नासिक के सारे जलाशय सूख गए हैं। सूरज की तपिश इतनी तेज है कि नदी नाले नहर यहां तक के कुएं से भी पानी गायब हो गया है। महाराष्ट्र में पानी का संकट गहरा गया है, खेतों में फसल सूख रहे हैं और घरों में लोगों का गला। अब प्यास बुझाने की जद्दोजहद की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक जिसके हाथ में जो मिला उसे लेकर पानी भरने पहुंच गए। न जाने कब यह कुआं सूख जाए, किसी को पता नहीं, क्योंकि कुएं का पानी तलहटी में पहुंच गया है। महाराष्ट्र के नासिक में अभी 35 गांवों में पानी का संकट सबसे ज्यादा है और आने वाले दिनों में तो आंकड़े कई गुना बढ़ने की आशंका है। बांधों में सिर्फ 35% ही पानी बचा है। पिछले साल महाराष्ट्र में 455 गांव और 1000 से ज्यादा बस्तियों में जल संकट गहराया हुआ था। महाराष्ट्र ही नहीं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी जल संकट गहराने लगा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी पानी के बिना लोगों का गला सूखने लगा है। जान जोखिम में डालकर पानी निकालने की यह तस्वीर स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल जबलपुर जिले से महज 70 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल इलाके नकटिया गांव की है। यहाँ पानी की बहुत कमी है और बहुत परेशानी है, यहाँ पानी मिलता नहीं है, एक एक हफ्ते आदमी नहाते नहीं है। समस्या है पानी की, हमको छोटे छोटे बच्चों को नीचे उतारना पड़ता है, वो फिर डिब्बा से भरते हैं, हम लोग ऊपर से खींचते हैं। बहुत ज़्यादा डर लगती है, अब क्या करें, डर लगे चाहे कुछ भी लगे, निकालना तो पड़ेगा पानी पीने के लिए, बहुत गंदा पानी आता है थोड़ा थोड़ा। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आज भी ऐसे दूर दराज इलाकों में लोगों को किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ सुबह उठते ही लोग पानी के जद्दोजहद में जुट जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सूखे कुएं में उतरते हैं और फिर बूंद बूंद जुटाकर अपने बर्तनों में पानी भरकर घर ले जाते हैं। अधिकारी से लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त है। और सरकार की ढीला रवैया, चाहे जिला कलेक्टर का हो और चाहे जिला प्रशासन को, कोई L&T वाले काम न कर पाने के कारण यहाँ जल जीवन मिशन की योजना नहीं लाई गई, और जितनी भी जल जीवन मिशन सहपरा क्षेत्र में चल रही सब फ्लॉप हो गई, खत्म हो चुकी। मध्य प्रदेश का जबलपुर हो या फिर महाराष्ट्र का नासिक और रायगढ़, इन इलाकों में दशकों से पानी की समस्या रही है। सवाल यह है कि इन लोगों की प्यास कब बुझेगी, कब तक पानी के लिए इन्हें मीलों दूर